चलिए बच्चों, आज बात करते हैं। मैं बताने वाला हूँ कि आपको एग्जाम सेंटर में जाने के बाद और जाने से पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है? अब जैसे ही एग्जाम सेंटर आपको एकदम शार्प में पहुंच जाएंगे, शार्प इतने 9:45 AM को आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको, मान लीजिए एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद आपको देखेंगे सबसे पहले कि आपका रोल नंबर कहाँ है, ब्लॉक नंबर, रूम नंबर, हॉल नंबर, ठीक है? हॉल नंबर देखने के बाद आप हॉल में एंट्री ले लेंगे। बट इसके जाने के पहले आपको अगर वॉशरूम आ रही है तो वॉशरूम जा सकते हैं, वॉशरूम से आना है तो आ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप इसके पहले 10 बजने से पहले आप प्रॉपर अपने टाइम घड़ी में देख के आप एंट्री ले लेंगे 10 बजे, ठीक है? 10 बजे के पहले ही ले लीजिएंगे, 2-3 मिनट आप तो पहले ध्यान से ले लेंगे, ठीक है? उसके बाद आप जैसे ही एग्जाम हॉल में एंट्री ले लेंगे, उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लो आपके आंसर शीट मिल जाएगा, आपको आंसर शीट मिल जाएगा तो सबसे पहले लास्ट पन्ना को काट के यहाँ पे रफ लिखेंगे, ठीक है? और फिर OMR शीट को पेंसिल से फिल करेंगे ताकि कोई भी एक गलती ना हो। इसलिए ना हो क्योंकि एक सबका एक यूनिक आईडी रहता है, जिस वजह से क्या रहता है, वो चीज वापस गलती हो जाएगी बच्चों की तरफ से, तो वो इन्वेजिलेटर आपको कोई एक भी दूसरा मौका नहीं देंगे, ठीक है? तो ध्यान पूर्वक मेरी बात सुन लीजिएगा और आखिरी तक बने रहिएगा, ठीक है? और यहाँ पे सब जो भी मेंशन किया गया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को, सप्लीमेंट्री डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डे ऑफ एग्जामिनेशन, मीडिया ऑफ आंसरिंग द राइटिंग, और यहाँ पे लिखा है नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, सेंट्रल नंबर, स्कूल कोड, सब्जेक्ट रोल नंबर, फादर नेम, गार्जियन सिग्नेचर, ये सब मेंशन करके और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे जैसी, तो यहाँ पे राइट साइड में हर हर पेज के राइट साइड में आपको यहाँ पे आपको लाइन खींच देना है, मार्जिन से लाइन खींच देना है, जिस वजह से क्योंकि क्या होता है कि कुछ कुछ रफ वर्क रहता है, जिस वजह, और ताकि आपका आंसर ना कटे। और आपको जैसे बता दिए लास्ट, अभी अभी आपको रिसेंटली बताया कि ये काट के रफ लिख लेना, ठीक है? उसके बाद आपको ये सैंपल पेपर मिले, सैंपल मतलब ये सैंपल पेपर है, मैं एक बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा इंग्लिश का, तो आपको मेंशन करना है, ये ध्यान से पहले पढ़ लेंगे। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल 1 आता है तो 1 में सिंगल टिक करेंगे, 2 आता है उसमें भी सिंगल टिक, ऐसे ऐसे करते करते चलेंगे, आखिरी तक पहुंचेंगे, ठीक है? फिर आखिरी से फिर क्या करना है, जो क्वेश्चन को सोचने में टाइम लगे या जो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम टेकिंग लगे उसमें डबल टिक करेंगे, ऐसे करते करते आप आगे चलेंगे, ठीक है? अगर आपको लगेगा, मान ली उदाहरण तौर पे समझा रहा हूँ, उदाहरण के एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, 39 क्वेश्चन है, आपको 34-35 क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप अच्छे से कोर्स कंप्लीट करके गए हैं और अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है? अगर मान के चलिए आप क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो इसमें दिक्कत हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन ना बने, 4-5 क्वेश्चन आपको ना बने, ये 4-5 क्वेश्चन जाहिर सी बात है बनेंगे ही नहीं, क्योंकि क्या है, बोर्ड एग्जाम है, जाहिर सी बात है बोर्ड एग्जाम है तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? 4-5 क्वेश्चन बाद में अपन टाइम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है? ये सब करने के बाद, अच्छे से क्वेश्चन पेपर पढ़ने बाद, आप फिर एकदम प्रॉपर टाइम में 10:30 को वो आप एग्जाम चालू कर लेंगे। एग्जाम चालू करने बाद आपको, पहले बात बात क्लियर कर दे रहा हूँ, बाकी बच्चों के लिए 3 घंटे का एग्जाम है, बट हमारे लिए ये 2 घंटे 40 मिनट का टाइम, हमारे के लिए 2 घंटे 40 मिनट का ही टाइम है अपन के लिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है? उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, आपको 1:10 को खत्म कर देना है आपको पेपर, ठीक है? अब ये जो लास्ट के जो 20 मिनट बचेंगे, 20 मिनट में ये जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था, 4-5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, है ना, ये हर किसी को नहीं आएगा, आप स्पेशल नहीं है, टॉपर भी वही होगा, टॉपर को भी नहीं आएगा, एवरेज बच्चे को भी नहीं आएगा, जिसको आता नहीं है उसकी तो बात ही नहीं है, ठीक है? ये सब नहीं आएगा। उसके बावजूद आप उसके बाद 20 मिनट में, 20 मिनट आप 15 मिनट निकाल लेंगे, 15 मिनट में ये चीज पे टाइम यूटिलाइज करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, डिपेंड अपॉन द आप जिस तरीके से प्रिपेयर की हो, है ना? आपके हाथ में 5 मिनट बचा, आप 5 मिनट में क्या करेंगे, 5 मिनट में आप जैसे क्वेश्चन, ये जैसे आंसर शीट है, ये हमारे एक स्टूडेंट्स की कॉपी है, इन्होंने हर आंसर शीट क्लोज करने के बाद एक क्लोज की है, ये आंसर चेक करेंगे, आंसर चेक करना बहुत ही जरूरी है, आंसर चेक करना बहुत ही जरूरी है, जिस वजह से अपन का 4 से 5 मार्क्स बढ़ जा रहे हैं, ये टिप्स है, नोट डाउन करके रखेंगे, है ना? 4 से 5 मार्क्स आराम से बढ़ेगा, आंसर आंसर चेक करने के बाद क्लोज करेंगे, आंसर चेक करने के बाद क्लोज करेंगे। हर पन्ने में बच्चे ने बहुत अच्छे खूबसूरती से ये दर्शाए हैं, हर चीज आंसर क्लोज करेंगे। और मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे आप लोग को पता ही होगा, आप सीनियर लोग हैं
क्लास 10 के बच्चे हैं, तो जो लेटर है नए पेज से लिखेंगे, भले अगर ये चीज यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे पीटीओ करके लिख के आगे बढ़ेंगे और नए पेज से ही लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी सेक्शन चालू हो नए पेज से। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन सी करके, बहुत अच्छे द्वारा बताया गया। और यहाँ पे हाँ आपको एक और बात बताना है, यहाँ पे जो भी आंसर लिखा जाए आंसर नंबर प्रॉपर सही से लिखेंगे, क्योंकि उसी पे मार्क्स मिलते हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे नंबर आता है, यहाँ से क्लोज करने के बाद एकदम हड़बड़ाना नहीं, एकदम प्यार से करना, आराम से करना, हड़बड़ाना नहीं। 5 मिनट बहुत सफिशियंट है, ये सब करने के लिए 5 मिनट सफिशियंट है। आपका 1:30 को एग्जाम क्लोज हो जाएगा, बस इतना ही है आज के लिए, इतना ही।